Aí eu vou saber. वो यहाँ जल्दी फ्री हो गई थी, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं घर जल्दी चली जाऊं? या श्योर, वाई नॉट। लेकिन आपको याद है ना, कल हमने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना है। सामिया, आज दोपहर में मैं कुछ ज्यादा ही कह गया था। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा होता है कि जो कुछ इंसान के दिल में है वो सब कुछ कहते हैं, बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी आजकल के दौर में तो बहुत ज्यादा मिलावट है, अल्फाज ख्यालात सब में झूठ ही नजर आता है। तो अच्छा लगा मुझे कि आपके दिल में जो था आपने मुझे कह दिया। थैंक यू। हाँ बेटा, अरसलान की मम्मी आई थी अभी थोड़ी देर पहले। भाई बहुत ही चालाक और मौका परस्त औरत है फरिया, तुम्हें उनसे बच के रहने की जरूरत है। मामा, मेरा कोई प्लान नहीं है उस घर में वापस जाके रहने का। और मैं अरसलान को घर दमाद रखने वाली नहीं हूँ। अरसलान का जाती फ्लैट भी तो खाली पड़ा है, और फिर एक फ्लैट हमारा क्लिफ्टन में भी तो है, उनमें से कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। देखो फरिया, बता रहे माँ तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटा ये जो प्रेगनेंसी का झूठ तुमने बोला है, मैं इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। इसे तुम खुद डील करोगी? ओ कम ऑन मम्मा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, बस आप मेरा एक काम करते हैं, किसी भी इम्पोर्टेड स्टोर से जाके दो चार चीजें ले आए, ताकि मैं उन्हें बोल दूं कि मैं मालदीव से उनके लिए लेकर आई हूँ। ऑल्सो जैसे ही उनके घर में घुसूंगी ना, यही सवाल होगा कि उनके लिए क्या लेकर आई हूँ। या खुदाया, तुम्हें सारी दुनिया में से ये अरसलान ही मिला था शादी करने के लिए। चलें, आई लव यू। अपना ख्याल रखना एंड हैव फन। आपकी भाई से बात हुई थी? हाँ भाई, तुम्हारे भाई ने बहुत मेहरबानी की है जो 2 मिनट की वीडियो कॉल मुझे कर दी, और उस पूरे वीडियो कॉल में उसकी जो बीवी है वो उसके साथ साथ चिपकी रही। मुझे तो ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला। प्लीज मम्मी, अब जब शादी हो गई तो कॉम्प्रोमाइज भी कर ले। कॉम्प्रोमाइज की बातें तो तुम मुझसे ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने अरसलान की शादी को कबूल कर ली है। उसके निकाह में जाने से तो तुमने भी मना कर दिया था। मैंने अपनी नहीं, लुबना की वजह से मना किया। घर का माहौल वैसे ही बहुत अजीब हो गया है। आप तो लुबना को जानती है ना, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया उसने। प्लीज लुबना की कंडीशन को समझे। प्लीज फुरकान, इस हालत में ये होता है, उस हालत में वो होता है। तुम्हारी बीवियां तो लगता है निराले ही बच्चे पैदा कर रही। हर वक्त ये बातें सुन सुन के मेरे तो कान पक गए हैं भाई।